गोंदियामध्ये दरवर्षीनुसार नवरात्रोत्सव श्रीनगर महाकाली मंदिरात महंत योगी रामनाथ पीर बद्रीनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली 9 दिवस महाकालीची पूजा केली जाते. 251 अखंड ज्योत लावून विभिन्न पद्धतीने पूजा करून चंडीचे पठण करून शेकडो मुलींचे कन्या भोजन करून आज महापूजा करण्यात आली. यावेळी बालयोगी पृथ्वीनाथ यांच्यासह अनेक सेवाधारी भाविकांची प्रमुख उपस्थिती होती. सेवा आश्रम श्रीनगर सिद्ध पीठ है, ये काफी पुराना 1985 से अखंड ज्योत चेतन है. सर्व की मनोकामना के लिए, सनातन धर्म का प्रकाश के लिए, हिंदू धर्म के कार्य की चेतन के लिए हर व्यक्ति का आस्था का केंद्र है. हमारे श्री गुरु बद्रीनाथ जी के प्रेरणा से आशीर्वाद से हम लोग इस सेवा को सब मिलकर संपन्न करते हैं और सब भक्तगण का यहाँ कल्याण होता है. दोनों नवरात्रा में अखंड ज्योत जलती है और वैसे 1985 से अखंड ज्योत प्रज्वलित है. अखंड ज्योत से सबके कार्य पूरे होते हैं और महाकाली का आशीर्वाद सबको है. इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सब लोग मिलकर कार्य करें जिससे अपने धर्म का योग और प्रकाश हो, सर्व भक्तगण का कल्याण हो. इसमें हर दुख दरिद्री दूर हो जाती है. भक्ति ऐसी चीज़ है कि सबकी मनोकामना के लिए सिद्धियाँ, कार्य, व्यापार सब कार्य सिद्ध होता है और वो अपनी आस्था और विश्वास बनाए रहे. अपने भारत देश में इस चीज़ का परंपरा प्रचलन है, उसको कार्य सिद्ध होता है. हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है. महाकाली कर्मदान सेवा आश्रम में मैं काफ़ी दिन से गुरु के प्रेरणा, माता जी के आशीर्वाद से भक्ति में सनातन और सात्विक पूजा की जाती है. ब्राह्मणों द्वारा, उसके द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ, जाप, हमेशा हवन यज्ञ चलते रहता है. भंडारे का भी कार्य होते रहता है और सब भक्तों का यहाँ कल्याण होता है. अपने विश्वास को लोग बनाए रखे हैं, इसलिए हमारे गोंदिया शहर में श्रीनगर स्थान इस तीर्थ का विशेष महत्व है. समुदाय के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, मेरे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी गोंदिया में श्रीनगर में सर्व कार्य हेतु हिंदू विश्व महासंघ और धर्माचार विदर्भ का सचिव और कार्यकर्ता हूँ, जिससे धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति सबकी आस्था और सब जाति का मिलन है. इसमें कोई जाति अलग अलग नहीं है. हमारी जो आस्था है वो एक है और एक आस्था हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बना के रखे, वो हिंदू का कार्य हमारे भारतवर्ष में भारी योग से प्रचार हो रहा और उस कार्य को हर व्यक्ति सम्मिलित कर रहा और अपने को अमल करने की क्रिया कर रहा. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.